हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, जेपी यूनिवर्सिटी से आ गया शुभ संकेत। अगर आप भी स्नातक पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपका भी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, अगर आपका भी नामांकन होना बाकी है, अगर आपका भी परीक्षा होना बाकी है, बहुत सारे छात्र छात्राओं को मार्कशीट नहीं मिला है तथा पीजी का मेरिट लिस्ट भी जारी होने वाला है तथा परीक्षा भी होने वाला है, परीक्षा फॉर्म भी भरा जाने वाला है, इन सभी को लेकर यूनिवर्सिटी से शुभ संकेत आया हुआ है। 20 जनवरी से हो सकता है एक संभावित तिथि के रूप में कुछ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी से निकल करके कुछ अंदरूनी बातें सामने आई है। चलिए, क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, आप यहां पर देख पा रहे होंगे यूएमआईएस एजेंसी के काम बंद करने से परीक्षा और नामांकन से जुड़े काम बाधित। 18 दिन बाद भी नहीं सुलझा भुगतान का विवाद, छात्र परेशान। यहां पर आप सभी को बताया गया है 18 दिन बाद भी यूएमआईएस एजेंसी ने कामकाज शुरू नहीं किया। ऐसे में विश्वविद्यालय में पंजीयन, परीक्षा और नामांकन से जुड़े सभी कार्य ठप है। छात्रों की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लंबित सत्रों की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई पहल नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रार प्रोफेसर रंजीत कुमार ने बताया कि 20 जनवरी से पहले कोई विकल्प तलाश लिया जाएगा। यहां पर एक बहुत ही बड़ी बात बताई गई है। उसके आगे बताया गया है छात्र हित में जल्द ही कोई गंभीर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरी समस्या से कुलपति को भी अवगत कराया गया है। वहीं राजभवन से भी मार्गदर्शन मांगा गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से यूएमआईएस शाखा से जुड़े कार्यों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब तक एजेंसी पूर्ण रूप से काम करना शुरू नहीं कर देती है, तब तक ऑनलाइन मोड में परीक्षा फॉर्म भर पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अंदरूनी हिस्सों से मालूम चली है कि यूएमआईएस अपना काम करना शुरू कर दी है, लेकिन अभी वेबसाइट जो है वह ओपन नहीं हुआ है। आगे इसमें क्या कुछ बताया गया है उसको भी आप सभी देख लीजिए। आगे आप सभी को बताया गया है विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय में आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। छात्र संगठन आरए से आज से विश्वविद्यालय के कैंपस में प्रदर्शन करने की बात कह रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों का घेराव करने की बात कही है। आपको मालूम होगा कि 29 दिसंबर से ही एजेंसी ने कामकाज ठप कर दिया है। एजेंसी भुगतान के विवाद को लेकर काम नहीं कर रहा है। एजेंसी का कहना है कि उसने बीते 6 माह से जो काम किया है उसका भुगतान नहीं किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय का कहना है कि गलत भुगतान का दबाव बना रहा है एजेंसी। तो फ्रेंड, यहां पर आपने इस वीडियो के माध्यम से यही देखा और समझा कि 20 जनवरी से पहले कोई विकल्प तलाश लेगा जेपी यूनिवर्सिटी, लेकिन यह कितना सही साबित होगा यह आगे देखना होगा, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आगे क्या कुछ अपडेट आएगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें।